गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल निशा गौर एजुकेशन। आज हम क्लास फर्स्ट मैथ का एक लास्ट चैप्टर चैप्टर 13 हाउ मैनी को पढ़ेंगे। ये हमारी मैथ बुक का लास्ट चैप्टर है और इस चैप्टर में हमको वो सारी चीज़ें बताई गई है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। पूरी बुक में जो चीज़ पढ़ चुके हैं उसको लास्ट चैप्टर में इकट्ठा करके बताया गया है। जैसे कि आप सब ने वंस और टेंस पढ़े थे, ठीक है, तो स्टिक काउंटिंग की थी। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, स्टिक काउंटिंग। हमने वंस और टेंस में टेन का एक बंडल टेंस और वंस को पढ़ा था ना, उसी प्रकार ये स्टिक्स है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, राइट द नंबर ऑफ स्टिक्स। हमको स्टिक्स के नंबर लिखने हैं काउंट करके, ये कितनी स्टिक्स हैं। जैसे कि देखिए हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, ये कितनी स्टिक्स है, यहाँ पर 6 स्टिक्स है। तो इसको हमको काउंट करके लिखना है 6। फिर कितनी है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी स्टिक्स है यहाँ पर हमारी, 8 स्टिक्स है। ये हमको नंबर काउंट करके लिखना है। फिर यहाँ पर कितनी स्टिक्स है हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितनी स्टिक्स है यहाँ पर हमारी, 10। और ये हमने पढ़ा था 10 का एक बंडल होता है, तो ये कितना, कितनी स्टिक्स का बंडल है, ये 10 का एक बंडल है। तो क्या हुआ हमारा, 10 प्लस 10 10, और 10 प्लस कितना हुआ हमारा, 20 स्टिक्स है ये हमारी, ठीक है। इसी प्रकार ये 10 का एक बंडल है और ये कितनी स्टिक्स है, 1 2 3, तो 10 और 3 कितना हो गया हमारा, 13। ये कितनी स्टिक्स है हमारी, 1 2 3 4 5 5 स्टिक्स है, और ये क्या है, 10 का एक बंडल है, तो 10 और 5 15। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 स्टिक्स है और 10 का एक बंडल है, तो 10 और 7 17। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और ये 10 का एक बंडल है, ये क्या है, 10 का एक बंडल है, और ये कितनी स्टिक्स है हमारी, 1 2 3 4 5 6 6 स्टिक्स है। तो ये कितना हुआ, 10 और 6 हमारा 16। इस तरह इसको हम फिल कर देंगे, ये हमारे क्या हो गए, नंबर्स हो गए, ठीक है। इसी तरह देखिए हाउ मैनी बीट्स, हाउ मैनी मीन्स मतलब कितने बीट्स यहाँ पर हैं। तो ये देखिए ये बीट्स की क्या बनी हुई है, एक एक माला बनी हुई है। तो एक माला में कितने बीट्स हैं, हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक माला कितने बीट्स की बनी हुई है, यहाँ पर 10 की, तो ये भी 10 की है और ये भी 10 की है, 10 10। ये कितनी माला बनी हुई है यहाँ पर, 3, तो 10 20, और ये कितना हो गया हमारा, 30। और ये कितने बीट्स बचे यहाँ पर, 2, तो क्या हुआ हमारा, 32। इसको 32 जोड़ेंगे तो क्या हुआ हमारे यहाँ पर, ये हुआ हमारा 32। तो इसमें टेंस और वंस क्या है, देखिए ये 10 10 का एक एक बीट्स माला बनी हुई है, तो 10 का एक बंडल, तो 30 को हम क्या लिखते हैं, 3, तो ये हुआ हमारा टेंस, और 2 क्या हुआ, बचे हुए बीट्स हमारे क्या हुआ, वंस, तो टेंस 3 है और वंस क्या है, 2 है। इसी प्रकार ये देखिए 10 की एक माला, ठीक है, दूसरी माला और तीसरी माला, ये क्या हुआ हमारा 30, और यहाँ पर बीट्स कितने हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये क्या हुआ हमारे, 39, ठीक है। इसी प्रकार 1 2 3 4, 4 मीन्स 40, क्योंकि एक माला में कितने बीट्स लगी हुई हैं, 10, तो ये कितने हैं, 40, और 3 43, यहाँ कितनी बीट्स है, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 है, 4 मीन्स 40, और यहाँ कितने बीट्स बचे हैं, 1 2 3 4 5, तो ये क्या हुआ हमारा, 45। फिर यहाँ पर कितनी माला है, 1 2 3 4 5, 5 मालास मीन्स 50, हाँ, और बीट्स एक्स्ट्रा नहीं बचे, तो ये कितने हुए हमारे, 50, 50। तो ये हमारे बीट्स काउंट हो गए, वंस और टेंस का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, हाउ मच बिल द बनानास कॉस्ट। बनाना की कॉस्ट यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर एक बनाना है, तो इसकी कॉस्ट कितनी दी है यहाँ पर, 1 रुपीज। जब एक बनाना की कॉस्ट कितनी है, 1 रुपीज, तो 2 बनाना की कितनी होगी, 2 रुपीज, और 3 बनाना की, 3 रुपीज। तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 1 1 1, तो ये कितने हो गए हमारे यहाँ पर, 3। कितनी कॉस्ट हुई हमारी, 3 हुई।
ठीक है, वेरी सिंपल। इस तरह गिव नंबर नेम, हमको इसके पास क्या नंबर है, ये हमारा 1515, तो 15 की हमको यहाँ पे क्या लिखना है, स्पेलिंग। तो 15 की स्पेलिंग क्या है, FIFTEEN 15, क्या है ये नंबर नेम, क्या है ये 15, और ये क्या है इसके पास 24, हाउ मैनी टेंस। तो इसमें टेंस क्या है, पहली संख्या हमने आपको बताया था, पहली संख्या हमारी क्या होती है, टेंस, टू मीन्स 2020, और जो अदर संख्या बच जाती है, जो और बच जाती है उसको क्या बोलते हैं हम, वंस। तो यहाँ पर 4 क्या है, वंस है, तो टेंस क्या है इसमें, 2 टेंस है, ठीक है। इस तरह ये क्या है इसमें, हाउ मैनी टेंस, तो क्या लिखेंगे हम, 2, क्या है इसमें टेंस, 2 है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है हमारा विच इज़ द बिगर नंबर, इसमें क्या नंबर दिया है, 26 and 1313, तो इसमें बिगेस्ट नंबर मीन्स बड़ा नंबर क्या है, तो फर्स्ट काउंटिंग करेंगे तो हम 1 और 2 में कौन सा बड़ा है, 2, और 3 और 6 में काउंट करेंगे तो कौन सा बड़ा है, 6, और हम काउंटिंग करते समय भी देख सकते हैं 1313, और 13 के बाद ही हमारा 26 आता है, 13, 14, 15, ठीक है, उसके बाद हमारा 26 आता है, तो इसमें बिगेस्ट नंबर क्या है हमारा, 26, ठीक है, ठीक है, ये हमारा बिगर नंबर हो गया। तो जो हम इस बुक में पढ़ चुके हैं वही सब है यहाँ पर, ठीक है। अब ये क्या करना है हमको, देखिए ये पिक्चर देखिए आप, डेवलप अ स्टोरी ऑन द पिक्चर्स एंड नरेट इन द क्लास, हमको इस स्टोरी को डेवलप करना है, आगे बढ़ाना है और अपनी क्लास में बताना है, सुनाना है। तो इसमें क्या दिख रही है हमको, गोट्स दिख रही है, कितनी सारी, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, गोट्स दिख रही हैं, ये 3 गोट्स है, 2 जा रही हैं, ठीक है। पिक्चर में क्या दिख रही है हमको, गोट्स दिख रही है, और ये क्या है, एक ये लड़का है, इसका नाम क्या है, बिल्लू। तो हमको इस पर से पूरी स्टोरी बनाना है, तो देखिए तो हम बनाते हैं, देखो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। बिल्लू, बिल्लू हैज सम पेट एनिमल्स, उसने क्या, कुछ एनिमल्स, पेट एनिमल्स, पालतू जानवर पाल रखे हैं, लाइक गोट इन हिज फॉर्म, उसने क्या पाल कर रखी है अपने फॉर्म पे, गोट, बकरियाँ उसको, क्योंकि ये पसंद है। ही इज अ हार्ड वर्किंग बॉय, वो कैसा है, हार्ड वर्किंग बॉय, देखिए आपको दिख रहा है ना, वो काम करते हुए टोकरी बना रहा है ना, ही इज अ हार्ड वर्किंग बॉय बिकॉज, क्योंकि ही मेक्स बास्केट, वो क्या बना रहा है, बास्केट, टोकरियाँ बना रहा है, बाय यूजिंग बेम्बू स्टिक्स, काय का यूज करके बना रहा है, किसका यूज करके बना रहा है, वो बेम्बू स्टिक्स का यूज करके, देखिए टोकरियाँ बना रहा है, कैसा लड़का है, हार्ड वर्किंग बॉय है। तो इस तरह ये हमारी स्टोरी बन गई, इसको आप क्लास में भी सुना सकते हैं। यहाँ पे ये हमारी फर्स्ट क्लास का लास्ट चैप्टर एंड होता है, ये देखिए टीचर्स पेज है, इसके आगे हमारा ये यूनिट, यूनिट हमारी कौन सी है, 13, हाउ मैनी एंड होती है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।